एक समय की बात है, देवराज इंद्र ने स्वर्ग में एक मीटिंग रखी और उसमें बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा बुद्धिमान लोग गुरु बृहस्पति से लेकर के सभी बुद्धिजीवियों को एकत्रित किया गया। मृत्यु लोक से दो ऋषियों को बुलाया, एक वशिष्ठ जी और दूसरे विश्वामित्र जी। सबके सामने प्रश्न रखा कि महाराज संसार में सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है, ऐसी कौन सी पूजा पाठ है जिसका सबसे ज्यादा तप हो। किसी ने यज्ञ बताया, किसी ने जप बताया, किसी ने तप बताया, किसी ने पूजा पाठ बताया। सबके बाद में निर्णय दिया वशिष्ठ जी महाराज ने, बोले सबसे बड़ा तप है वो सत्य का पालन। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सभी देवताओं ने ताली बजाई, वाह बिल्कुल सही कहा, सत्य का ही पालन करना चाहिए। मगर महाराज विश्वामित्र जी 36 का आंकड़ा रखते हैं वशिष्ठ जी से, बोले जो वशिष्ठ जी कहेंगे उसका उल्टा मैं करूंगा। महाराज भरी सभा में विश्वामित्र जी बोले गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं, कौन है इस धरती पर सत्य का पालन करने वाला, कोई भी नहीं है, कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा है जो झूठ का सहारा लेता है। वशिष्ठ जी ने कहा इस धरती पर अभी ऐसे ऐसे सत्य का पालन करने वाले हैं, सत्य का पालन करने वाले इस धरती पर बहुत लोग हैं। बोले कोई एक का नाम बताओ। अयोध्या के राजा हैं हरिश्चंद्र, वो सत्यवादी हैं, सत्य का पालन करते हैं। विश्वामित्र ने कहा अब मैं राजा हरिश्चंद्र को ही देखूंगा कैसा सत्य का पालन करते हैं। बोले अभी कोई फैसला, अभी निर्णय मत लेना, जब तक मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा नहीं ले लूं तब तक। महाराज सीधे पहुंच गए हैं विश्वामित्र जी अयोध्या में, और अयोध्या में जाकर के एक सुअर का रूप बनाया है। ये तीन दो बाबूजी खड़े हैं, एक बहन जी खड़ी हैं, 100-200 रुपए ले लो पर शांत हो जाओ, हाँ बाहर बात कर लो, कृपा करके मैं हाथ जोड़ रहा हूं, जिन्हें बात करनी है बाहर कर सकते हैं, पर आप देखें तो सही, सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो आप बाहर जाके चर्चा करिए। विश्वामित्र ने एक भयंकर विकराल जंगली सुअर का रूप बनाया है और राजा हरिश्चंद्र के बगीचे में प्रवेश किया, पूरे बगीचे को तहस नहस कर डाला, जितने भी सेवक थे नौकर चाकर थे सबको मार के महाराज सबको विदीर्ण कर दिया। दौड़ते दौड़ते कुछ दूत बचे, कुछ सैनिक बचे, महाराज के पास में गए, महाराज वहां यज्ञ कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, जैसे आहुति दे रहे हैं तो सैनिक आए, महाराज रक्षा करो, महाराज रक्षा करो, एक जंगली सुअर आ गया है, हमारे प्राणों की रक्षा करो। राजा ने अपने यज्ञ को पूर्ण किया है, अग्निहोत्र करते हैं, रोजाना यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। राजा ने आसन से उठे हैं, यज्ञ पूर्ण करके बोले बताओ क्या बात है। बोले कि इतना बड़ा पर्वताकार एक जंगली सुअर आ गया है, पूरे अयोध्या के वृक्षों को पूरे बगीचे को तहस नहस कर डाला। महाराज तुरंत घोड़े पर विराजमान हुए हैं, अपना धनुष लेकर के बाण लेकर के उस सुअर का पीछा करने लगे। बड़ा विकराल और मायावी सुअर, ऐसा सुअर था महाराज के वो बाण मारते हैं तो कभी पूरब हो जाता है, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, एक भी बाण नहीं लगा। भागते भागते वो हवा की तरह दौड़ता है, पीछे पीछे राजा महाराज वो मायावी सुअर ऐसे वीरावान जंगल में लेके चला गया जहां निर्जन, जहां कोई भी नहीं था, नगर बहुत कोसों दूर रह गया, अंधेरा होने को जा रहा है। उधर उस सुअर ने, जो महाराज विश्वामित्र हैं उन्होंने सुअर का भेष बदल के एक तपस्वी का भेष बना लिया, कुटिया बन गई है, सरोवर है उसके किनारे कुटिया, और समाधि लगा करके बैठ गए हैं माला हाथ में लेकर के। राजा ने देखा कि भूखा प्यासा हूं, महात्मा के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव आप जैसे तपस्वी कहां छुपे हुए बैठे हैं, आज तक नहीं मिले। महात्मा ने नेत्र खोले हैं,
राजा को आशीर्वाद दिया, ओहो मैंने तो तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ ली, तुम कोई सामान्य नहीं हो, तुम तो चक्रवर्ती सम्राट लगते हो। बोले सही कहा महाराज, मैं आपका दास हरिश्चंद्र हूं। बोले तुम्हारे तो दान की बड़ी प्रशंसा सुनी है, तुम बड़े दानी हो। कि बिल्कुल महाराज, कभी सेवा का अवसर दीजिए। अच्छा मेरी सेवा करोगे? राजा ने कहा गुरुदेव जरूर आप पधारे, आप जो कहेंगे हम आपकी वही सेवा करेंगे। विश्वामित्र ने माया से कन्या बना ली। बोले बेटी अंदर से आओ, कुटिया में से मायावी कन्या आई कि देखो राजन ये मेरी बेटी है, इसकी मैं शादी करना चाहता हूं, मेरे पास में धन नहीं है कोई श्रेष्ठ वर के योग्य, इसीलिए अगर आप मेरी बेटी का विवाह करा दें तो बड़ी कृपा होगी। बोले बिल्कुल, आप अच्छा से अच्छा वर ढूंढ लीजिए, जो खर्चा होगा मैं उठाऊंगा। राजा से कहा जैसी आपकी इच्छा। राजा को मंत्र से पहुंचा दिया महाराज कहां, अयोध्या। राजा बहुत अच्छे से राज्य कर रहे हैं। उधर कुछ दिन के पश्चात महाराज विश्वामित्र ने माया से एक वर बना लिया, लड़की के लिए दूल्हा तैयार कर लिया और खुद राजा के पास में पहुंच गए। राजन आपने वचन दिया था कि मेरे को वर मिल जाएगा तो मेरी बेटी का आप विधि पूर्वक पाणि ग्रहण संस्कार कराएंगे, आप खुद कन्यादान करेंगे। बोले बिल्कुल, अच्छा मुहूर्त देख करके और आप बताइए। तारीख बता दी, तिथि बता दी और विवाह संस्कार किया महाराज। विवाह जैसे हुआ कन्यादान कर दिया। बोले राजन देखो तुमने कन्यादान किया, तुम यजमान और मैं आपका पुरोहित। अब मैंने विवाह किया, अब बेटी आपकी हो गई, इसीलिए अब मैंने विवाह पढ़ा, इसीलिए विवाह की दक्षिणा मुझे दीजिए। कि क्या दक्षिणा लोगे? कि दक्षिणा मैं ये लूंगा कि अयोध्या का जितना भी राज्य है, जहां से सूर्य तुम्हारा जितना भी राज्य है वो सब मुझे दे दो। राजा को पता भी नहीं चला, हाथ में जल दिलवा के संकल्प दे दिया। राजा को ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ ठग लिया, कुछ क्या हो गया, पर रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कोई बात नहीं। फिर वो विश्वामित्र रूपी जो ब्राह्मण है, जो उस ब्राह्मण ने कहा राजन देखो मैंने विवाह पढ़ा, इसीलिए आपने मुझे दक्षिणा दी और दक्षिणा की सांगता के लिए दान दिया जाता है। देखो आप लोग जब देते हैं कोई दक्षिणा तो 11 देते हैं, 21 देते हैं, क्यों देते हैं? 51 ही क्यों देते हैं? 11,000, 21,000, 20,000 क्यों नहीं देते? या 20 क्यों नहीं देते? 10 क्यों नहीं देते? 50 क्यों नहीं देते? 51 ही क्यों देते? देखिए 50 है दक्षिणा और एक जो है उसकी सांगता के लिए दान है। बिना दक्षिणा की सांगता के दान लगता नहीं है, इसीलिए कहा राजन तुमने मुझे दक्षिणा तो दे दी पूरा राज्य, पर उसके निमित्त अब जितनी बड़ी संपत्ति दक्षिणा होती है उसका कुछ हिस्सा दशांश दान दिया जाता है। मान लो कम से कम आपने इतना बड़ा अयोध्या का राज्य दिया है तो मुझे उसके लिए दान भी दीजिए। क्या? कि 100 करोड़ सोने की मुद्रा। उस समय भारत तो सोने की चिड़िया था महाराज, सोने की क्या कमी थी महाराज। और जल्दी से राजन 2 दिन का समय दे रहा हूं मैं तुम्हें, 2 दिन में तुम सत्यवादी हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा तो मना कर दो कि मैं नहीं दे सकता, मैं अयोध्या का राज्य नहीं दे सकता तो मैं चला जाऊंगा। पर मैंने तुम्हारे सत्य की बड़ी तारीफ सुनी है, बड़ी दूर दूर तक, इसीलिए मैं सत्य का पालन करोगे कि नहीं? हरिश्चंद्र ने कहा गुरुदेव हम रघुवंशी हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए वर वचन न जाए, हम अपने प्राणों की भी बाजी लगा करके अपने वचन की रक्षा करते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए जितना प्रयत्न होगा उतना करूंगा। राजा अपने आसन से खड़े हुए और रानी के कक्ष में जाने लगे। जैसे रानी के कक्ष में गए हैं, रानी दौड़ करके आई है कि और बार तो राजा आते हैं उनका मुखमंडल प्रसन्न रहता है, आज इतने दुखी चिंतित, माथे पर पसीना, अपने आंचल से पसीना पहुंचा है, जल लेके आई है पीने के लिए। राजा की आंखों में आंसू। रानी ने कहा आज इतने दुखी क्या बात है? बोले तारा आज लगता है हमें किसी ने ठग लिया, पूरी आद्योपांत पूरी
घटना सुना दी। अब तो तारा की भी आंखों में आंसू, ये तो लगता है हमारे साथ में छल हुआ है। पर राजा ने कहा कोई बात नहीं, हम फिर भी धर्म का पालन करेंगे। आपस में चर्चा करी रहे थे कि इतने में वो ब्राह्मण रूपधारी विश्वामित्र आ गया। ए राजन, दान का मतलब जानते हो? दान किसे कहते हैं? दान कहते हैं स्वत्व निवृत्ति पूर्वक पर सत्वापादनम दान। किसी को कोई चीज दे दी जाए तो उस पर अपना सत्व नहीं रहता, और तुम अपने ही राज्य को दान कर चुके हो और तुम उस चीज को अब उसी को भोग कर रहे हो, इसीलिए मैं शाप दे दूंगा, तुम अपने राज्य से निकलिए। बोले बिल्कुल ब्राह्मण देवता। हम जैसे ही महाराज राजा निकलने लगे तो पीछे से रानी चलने लगी, और रानी चलने लगी तो रोहित भी चलने को तैयार हुआ। इतने में उस ब्राह्मण ने कहा ए राजा, ये क्या कर रहे हो? मुकुट ये आपके हो, सोना हीरा मोती ये चांदी ये इतने महंगे कपड़े ये सब मेरी संपत्ति, इसको यहीं रखी जाओ, चीर बलकल फटे हुए वस्त्र चिथड़े पहनो। महाराज जो मुनियों के वेश होते हैं वो सारे राजसी वस्त्र उतरवा लिए हैं। कहां जो रानी महाराज जिसको देख करके देवराज इंद्र की पत्नी सची भी शर्माती हो कि क्या सौंदर्यवान क्या वस्त्र पहन रखे हैं, स्वर्ग की अप्सरा है जिसके स्वरूप को जिसके वस्त्राभूषणों को देख के ललचा जाती हो, आज आज मुनियों जैसे वेश धारण कर लिए। राजा ने जैसे ही देखा कि मेरी पत्नी कैसे चिथड़े धारण कर रही है तो आंखों में आंसू आ गए राजा के। राजा ने भी मुनियों जैसे वस्त्र, नन्ना सा 4 वर्ष का रोहित है उसको भी मुनियों जैसे वेश धारण कराया है। रोहित को गोद में लिया राजा ने, रानी पीछे पीछे जैसे ही आगे बढ़े हैं पूरी प्रजा हाहाकार करने लगी। महाराज हम भी आपके साथ जाएंगे, महाराज हम भी आपके साथ जाएंगे। राजा ने बहुत समझाया बहुत रोका, मगर सोते हुए सबको छोड़ करके राजा और रानी रात ही रात में निकल गए हैं। महाराज आगे बढ़ने लगे, इतने में विश्वामित्र ब्राह्मण का रूप बना के फिर आ गया। राजन एक दिन तो निकल गया, कल का दिन अगर निकल गया तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा, तुम झूठे सिद्ध हो जाओ। और देखो तुम अयोध्या जहां पर तुम जो तुमने दान दे दिया है उस जगह पर मत रहना। हरिश्चंद्र ने सोचा कि जहां से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है वहां तक तो मेरा ही राज्य है, मैं कहां जाऊं। फिर ध्यान आया ओहो काशी एक ऐसी जगह है वाराणसी जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर रहती है, उस पर किसी का सत्व नहीं होता। तो महाराज राजा हरिश्चंद्र पहुंचे हैं काशी में, और काशी में महाराज चौराहे पर जाकर के दोनों हाथ खड़े करके और अपने बेचने के लिए वो पुकारते हैं, कोई मुझे खरीद लो कोई मुझे खरीद लो। सुबह से दोपहर हो गया, जैसे ही दोपहर हुआ कि फिर विश्वामित्र आ गए। बोले राजन अगर आज शाम तक तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। अब तो राजा बड़े बेहुअल हुए हैं, और महाराज काशी के चौराहे पर खड़े होकर के और दोनों हाथ खड़े करके और महाराज अपने आप को बेचने की दुहाई लगाने लगे हैं। इतने में तारा रोने लग गई, बोले महाराज जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आपको नहीं बेचने दूंगी, क्योंकि 4 चीजें ऐसी हैं जो विपत्ति के समय में परखी जाती हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखियों चारी। आपत्ति के समय में स्त्री के धैर्य की परीक्षा होती है। महाराज तारा ने कहा राजन मैं जब तक जिंदी हूं तब तक आपको बेचने नहीं दूंगी, आपसे पहले मैं बेचूंगी। और महाराज माता रानी तारा दोनों हाथ खड़े करके कहती है कोई मुझे खरीद लो कोई मुझे खरीद लो। जैसे ही महाराज राजा ने देखा कि मेरे सामने कहां तो इतनी बड़ी साम्राज्य आज बेचने के लिए, तो राजा मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। और देखो सज्जनों विपत्ति आती है तो हरिश्चंद्र जैसे राजाओं के जीवन में भी आ जाती है, इसीलिए कभी भी अपने धन पर ऐश्वर्य पर व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। जब हरिश्चंद्र जैसे राजा पर विपत्ति आ जाएगी तो हम जैसों का क्या होगा। रानी ने दोनों हाथ उठाए हैं, उधर वही विश्वामित्र एक ब्राह्मण का रूप बना करके और आ गया। बोले क्या तुम्हें तुम बेचना चाहती हो?
बोले कि हाँ महाराज मैं बेचना चाहती हूँ। कि क्या कीमत है? बोले 50 लाख सोने की मुद्रा। बैलगाड़ी में भर के लाया महाराज। बोले मेरी पत्नी बूढ़ी है, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, पैर दबाने पड़ेंगे, तेल मालिश करनी पड़ेगी, भोजन बनाना पड़ेगा, घर का सारा साफ सफाई सब कुछ करना पड़ेगा। बोले करूंगी महाराज, पर मेरे पति की बात नहीं खराब होनी चाहिए। जैसे महाराज उस ब्राह्मण ने जो है वो स्वर्ण मुद्रा दी है, इतने में वो विश्वामित्र फिर ब्राह्मण आ गया, उसने 50 लाख मुद्रा तो ले ली और कह दिया अभी आधी और बाकी। उधर जिस ब्राह्मण ने खरीदा है तारा को, उसने कहा चल घर पर, तो बोले वो राजा को प्रणाम कर ही रही थी, जाने की आज्ञा मांग ही रही थी कि इतने में वो ब्राह्मण इतना क्रूर है कि उसने माता तारा की चोटी पकड़ ली, बारों को पकड़ के घसीटते हुए ले जाने लगा। बोले अरे दुष्टा, मैंने तुझे खरीद लिया है, जल्दी से घर चल, घर का काम संभाल। महाराज वो तो राजा के चरणों में प्रणाम ही कर रही थी, इतने में उसने जोर से लात का प्रहार किया माता तारा, बाल पकड़ते घसीटने लगा। राजा तो इस अवस्था को देख करके महाराज आंखों से आंसू बहने लग गए। बोले कि मेरे सामने मेरी मेरी प्रजा को भी इतना कष्ट नहीं होता था, किसी स्त्री को कभी इतना प्रताड़ित नहीं किया गया, और मेरे सामने मेरी ही पत्नी को ये ब्राह्मण मार रहा है, देखो तो सही ये विधाता की कैसी करनी है। जैसे वो ब्राह्मण मार ही रहा था, लात का प्रहार कर रहा था, इतने में रोहित चरणों में गिर पड़ा। हे ब्राह्मण देवता, मेरी मां को मत मारो, मेरी मां को मत मारो, चरण पकड़ लिए हैं। तारा ने रोहित को हृदय से लगा लिया। बोले मां मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। तब उस ब्राह्मण से प्रार्थना की है तारा ने, हे ब्राह्मण देवता ये भी तुम्हारी सेवा करेगा, आप इसको मेरे साथ में रख लो, मैं जी लूंगी इसके सहारे, क्योंकि मेरा राज्य छिन गया, आप तो मेरे पति भी मुझे छोड़ के कहीं कहां जाएंगे कोई पता नहीं, तो कम से कम इस रोहित को देख करके मैं अपने प्राणों को तो धारण कर लूंगी। महाराज वो ब्राह्मण ने रोहित को भी साथ में लिया है और माता तारा उस ब्राह्मण के घर चली गई है। उधर सूर्यास्त होने को जा रहे हैं, विश्वामित्र फिर आ गए, बोले जल्दी से अगर तुम्हारे पास में धन नहीं हो तो राजन मना करो। राजा ने दोनों हाथ खड़े किए हैं और अपने आप को बेचने की दुहाई लगाई है। इतने में एक डोम काशी का आया है और उसने कहा है तुम बेचना चाहते हो? बोले मैं बेचना चाहता हूं। बोले तुम्हारी क्या कीमत है महाराज? बोले 50 लाख सोने की मुद्रा। उसने सोने की मुद्रा दी है महाराज और राजा को खरीद लिया है। बोले ध्यान से सुनना, वहां भोजन नहीं मिलेगा, वहां तुम्हें क्या काम करना पड़ेगा, वहां तुम्हें मुर्दों को कुरेदना पड़ेगा, जो मुर्दा जलाने आएगा उसका कर टैक्स देना पड़ेगा, सबसे टैक्स वसूलोगे, खाने के लिए जो मुर्दों पे चढ़े वो पिंड खाना, मुर्दों के लिए जो तर्पण किया जाए वही पानी पीना है तुम्हें, और कोई चीज नहीं मिलेगी। बोले महाराज कुछ भी करने को तैयार हूं पर मेरा धर्म मेरी बात झूठी नहीं निकले। उस डोम ने खरीद लिया है महाराज। राजा हरिश्चंद्र चले गए हैं शमशान घाट में, मुर्दे जलाने का काम करते हैं। उधर माता तारा पहुंच गई है उस ब्राह्मण के घर में, सुबह 4 बजे जगती हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन भोजन बनाती हैं, खिलाती हैं, पूरा दिन भर इसी में निकल जाता है। शाम होती है तो शाम को भोजन कराती हैं, भोजन बनाती हैं, भोजन पवाती हैं, फिर उसके बाद में भी महाराज तेल मालिश करती हैं, पैर दबाती हैं, रात के 12 बजे सोती हैं, कुछ भी गलती हो जाए डंडे से मारता है ब्राह्मण, इतना क्रूर इतना निर्दयी है वो। एक दिन तो आंखें लाल करके ब्राह्मण बोला ए अपने बच्चे से कहे ये मेरे लिए बगीचे से फूल तोड़ के लाएगा। छोटा सा रोहित महाराज और पुष्पों की डलिया लेके गया है कि पुष्प चुनने के लिए, जैसे फूल तोड़ने लगा तो विश्वामित्र काले नाग का रूप बना करके और पहुंच गए हैं और महाराज रोहित को डस लिया है। इधर सुबह का रोहित गया है, वो बिचारी कभी रानी ने फूल तक नहीं उठाया, सारे नौकर चाकर काम करते थे, आज दिन भर इतना काम करती है थक जाती है नहीं कर पाती,
तो डंडा मारता है, लात मारता है, बाल पकड़ के खींचता है। आज सुबह से ही रोहित गया है, घंटा एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, दौड़ करके गई है। ब्राह्मण देवता सुबह का गया है, मेरा बच्चा, मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, मैं उसी के ही भरोसे अपने प्राणों को धारण किए हुए थी। आप आज्ञा दें तो मैं देख के आऊं। बोले ए दुष्टा, घर का काम पड़ा हुआ है और तू जो है बच्चे को देखने जाना चाहती है? बिल्कुल नहीं। बेचारी काम में लग गई, सुबह से दोपहर हो गया, भोजन बना लिया, भोजन बना के भोजन खिला दिया, हाथ जोड़ के बोली हे ब्राह्मण देवता, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने बच्चे को देख आऊं, मेरा बच्चा सुबह से नहीं आया। ब्राह्मण ने कहा कि शाम का भोजन कौन बनाएगा? महाराज शाम का भोजन बनाया, शाम हो गई, बेचारी बार बार रास्ते की तरफ देखती है कि मेरा पुत्र अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया मेरा रोहित। मगर कुछ लोग राहगीर चर्चा करते हुए जा रहे थे, देखो छोटा सा बच्चा है, नीला पड़ रहा है, पूरा शरीर नीला हो गया है, लगता है सांप ने डसा है, फूल तोड़ रहा होगा। जैसे ही माता तारा ने सुना, ओ आंखें भराई, लगता है मेरा रोहित ही है, ये लोग बातें कर रहे हैं, ये मेरा बेटा ही है। अब तो रोने लग गई महाराज, रोते रोते ब्राह्मण के चरणों में जाकर के बोली ब्राह्मण देवता, ये लगता है मेरे ही रोहित कुछ राहगीर चर्चा करते हुए जा रहे हैं, मेरा ही बेटा लगता है सांप ने खा लिया है, आप मुझे आज्ञा दो मैं अपने बच्चे को देखे आऊं, मेरा बेचा बेटे का इलाज हो जाएगा तो कम से कम स्वस्थ तो हो जाएगा। तुरंत महाराज डंडा लेकर के और उसमें मारा है। बोले भोजन कौन खिलाएगा हमको? महाराज बिचारी ने भोजन खिलाया। बोले अब आज्ञा दे दो। बोले अब हमारे पैरों में तेल मालिश कौन करेगा, पैर कौन दबाएगा? महाराज रात्रि के 12 बजे तक तेल मालिश शरीर में करवाई है। बोले जा, अब तुझे कहां जाना है? बिचारी अबला दुखिया रोते रोते बिलकते हुए गिरते पड़ते बगीचे में पहुंची है, वहां देखा कि नवजात 4 वर्ष का रोहित मरा हुआ पड़ा है, शरीर पूरा नीला हो गया है, पछार खा के गिर पड़ी है। हे विधाता, अहो विधातस्तवन क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन, तांश्चा कृतार्भन व्युनंक्ष पार्थकम्, विक्रीडितम् तेरवक चेष्टितम् मया। विधाता तुझको बिल्कुल दया नहीं है, तू किसी पर विपत्ति देता है तो इतनी भयंकर विपत्ति देता है, कहां तो हमारा राज्य छीन लिया, फिर पति को अलग कर दिया, जिस रोहित के भरोसे मेरे प्राण थे उसके भी तूने ले लिया, अब मैं ही जी के क्या करूंगी। इतने में विश्वामित्र, वो जो ब्राह्मण था, वो मोहल्ले में जाकर के बोला कि देखो आज आज हमारे गांव में डायन आ गई है और वो दूसरों के बच्चों को उठा लेती है, पकड़ लेती है, तो बगीचे में घुस गई है, किसी के बच्चे को ले आई है, इसलिए सभी लोग हाथ में डंडे ले लो, सभी पत्थर ले लेके मारो। अब महाराज उस बेचारी अबला को, वो तो बच्चे के पुत्र के दुख में वैसे ही दुखी थी बेचारी, लोग डंडे ले लेके पत्थर ले लेकर के और उसको मारने को उद्यत हुए हैं। बेचारी रोने लग गई, हाथ जोड़ करके बोली मैं, मेरा ये बेटा है। मगर महाराज कई लोग तो मारने लग गए, कुछ बुजुर्ग थे उन्हें दया आ गई, बोले ये सच कहती है, इसको छोड़ दो। उसको छोड़ा है वो बेचारी अबला, अपने पुत्र को रोहित को हृदय से लगाते हुए देखा कि इसमें तो अब सांस तो है नहीं, इसका संस्कार अंतिम संस्कार कर दूं, शमशान घाट की ओर लेकर के जा रही है। आधी रात, अंधेरी रात, और जहां ऐसे उस शमशान घाट पर पहुंची है जहां महाराज हरिश्चंद्र मुर्दों में लकड़ी डाल रहे हैं, किसी मुर्दे को कुरेद रहे हैं और बार बार सोचते हैं पता नहीं मेरा रोहित कैसा होगा, मेरी रानी कैसी होगी, मैं तो इतना यहां पर दुखी हूं, हे भगवान मेरे रोहित को स्वस्थ रखना, मेरी तारा को स्वस्थ रखना। ऐसे सोच ही रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों में आंसू आ रहे थे, बच्चों को याद करके, अपने समय की याद करके रो ही रहे थे। इतने में देखा कि दूर से कोई स्त्री अपने बच्चे को कंधे से लगा करके जोर जोर से रोती हुई आती दिखाई दे रही। राजा की निगाह गई कि रात में कौन स्त्री रो रही है, थोड़ा नजदीक आई तो लगा बच्चा है कंधे पर लगा हुआ है।
राजा ने सोचा, ओहो कोई दुखिया है, लगता है इसका पति नहीं है, लगता है इसका कोई परिवारी जन नहीं है और इसका बच्चा मर गया है। तभी तो नहीं, हमारे यहां शमशान घाट में स्त्रियां तो कम आती हैं, पुरुष ही आते हैं, पर लगता है ये अकेली है बेचारी। नजदीक आई, राजा ने पूछा, देवी आप कौन हो, इतनी अंधेरी रात में आप यहां क्या कर रही हैं? महाराज कोई रोते हुए व्यक्ति से पूछे तो उसके और भी धैर्य का धीरज का समुद्र टूट जाता है। रानी की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लग गए। देवी तुम अकेली आई हो, तुम्हारा परिवार नहीं है। रोने लग गई हैं, बोले मैं इतनी अभागनी हूं कि मेरे इस समय जी मेरा एक बेटा है और ये बेटा भी सांप ने खा लिया, ये भी इतना अभागा है कि मरते वक्त पता नहीं इसके पिता कहां होंगे, आज इसके पिताजी होते तो कम से कम इसका मुंह तो देख लेते। बेटा रोहित आंखें खोल, राजा ने जैसे ही सुना कि रोहित, देवी तुम रोहित किसे कह रही हो, बोले इसका नाम रोहित है। राजा ने आवाज से तो ऐसा लग रहा था कि ये जानी पहचानी आवाज है, अब गौर करके राजा ने देखा, बोले क्या नाम है इस बच्चे का, बोले रोहित है, बोले इसके पिता कौन है, बोले महाराज मैं क्या बताऊं, ये इतना भागा है कि इसके पिता महाराज हरिश्चंद्र है। जैसे ही सुना है राजा ने, धड़ाम से राजा जमीन पर गिर पड़े हैं, रोहित रोहित करके रोने लग गए हैं। रानी ने कहा कि ये कौन है, दुबला पतला काला शरीर हो गया है राजा का, बाल बालों में लट पड़ गई, हमारा जटा बन गई है, दुबला पतला कृशकाय हड्डी हड्डी, आवाज से लग रहा है रानी को कि ये तो राजा जैसी आवाज है, आप कौन हो, बोले मैं ही अभागा हरिश्चंद्र हूं। जैसे ही रानी ने देखा राजा हरिश्चंद्र को, पुत्र का दुख तो भूल गई, पुत्र का दुख भूल गई, राजा के शरीर को राजा की हालत को देख करके रानी तड़पने लगी, फूट फूट के रोने लगी, राजा को हृदय से लगा लिया है, दोनों की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। राजा ने कहा, देवी तुम रोहित को लाई हो संस्कार कराने के लिए, तो यहां का नियम है कि कर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, तो इसके लिए कुछ वस्त्र दीजिए। बोले महाराज मेरे पास तो ये साड़ी है बस, जो मैंने पहन रखी है बस यही साड़ी है। बोले साड़ी कोई फाड़ के दो, आधी साड़ी फाड़ के राजा को कर दिया, धर्म की रक्षा करने देखी कितना कठिन है। राजा ने कहा, जब रोहित नहीं रहा तो हम ही जी के क्या करेंगे, राजा ने चिता बनाई है, इतनी बड़ी चिता बनाई है कि खुद बैठ गए हैं, रानी को बिठाया, रोहित को अपनी गोद पर लिटा लिया है और अग्नि लगाना ही चाहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव प्रकट हो गए हैं। बोले नहीं नहीं हरिश्चंद्र, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारे सत्य का परिपालन करने के लिए तुमने जो है कितना धर्म का पालन किया, वरदान मांगो हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वरदान दो कि आज के बाद इतनी कठिन परीक्षा किसी की नहीं लोगे, जो हमारी परीक्षा ली है ऐसी परीक्षा किसी की नहीं लोगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शिव दधीच हरिचंद नरेसा, धर्म सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंत देव बल भूप सुजाना, धर्म धरे सहे संकट नाना।